हेलो एंड वेलकम टू भूखर ज्वाइंट। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इन सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग बोनलेस चिकन ले लीजिए और उसके छोटे छोटे पीसेस कट लीजिए। जो बोनलेस चिकन होते हैं वो आप किसी भी चिकन वेंडर में आप बोलिए, आप उसको वो बोनलेस कर देंगे। मैं यहाँ पे चिकन थाई ली थी और फिर उसमें एक अंडा जो कि मैंने फोर के डाल दिया है वो है, साथ में थोड़े सूखे मसाले जैसे नमक, हल्दी, चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और राइस फ्लोर, और इन सबों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस समय बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे 20 से 25 मिनट, कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको मैरिनेट ज़रूर कीजिए। अदरवाइज़ अगर कुछ जल्दी है तो आप इमीडिएट भी बना ले सकते हैं। और फिर जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इन सभी चिकन पीसेस को डीप फ्राई कर लीजिए। जब ये इसको ना इमीडिएटली मत पलटिएगा, थोड़ा सा जब आप डालते हैं चिकन को उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको पकने दीजिए। जैसे ही ये अच्छे से पक जाए, ये थोड़ी देर के बाद ही ये थोड़ा सेटल होने लगता है तो बुलबुले भी थोड़े से कम होने लगेंगे तेल के, तो उस समय फिर आप इसको पलटिए। जो इसकी कुकिंग है ना, ये आप थ्रू आउट हाई फ्लेम पर ही कीजिए, वो बिल्कुल सही रहता है इसका जो हाई फ्लेम पे होता है। और इसको हम लोग तब तक बनाएंगे, इस तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि हमें जो हमारा ये जो चिकन है ना वो बिल्कुल नाइस एंड क्रिस्पी ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। और जैसा कि आपको आपने देखा था कि बिगिनिंग में मैंने इसमें राइस का जो पाउडर था वो मैं डाली थी, तो वो इसको क्रिस्प करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और देखिए ये हमारा चिकन जो है ये बन चुका है, तो इन सभी को आप टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए टू रिड्यूस द एक्सेस ऑयल। और जो भी आपके बचे हुए चिकन हैं उन सबों को आप इस तरह से फ्राई कर लीजिए। मैं यहाँ पर मायोनीज एंड टमेटो केचप की चटनी जो है इसे मिक्स करके उसका एक डिप तैयार कर रही हूँ उस पकोड़े के साथ खाने के लिए। पर आपकी इच्छा, आपको अगर ग्रीन चटनी के साथ भी कुछ तीखी या चटपटी चटनी के साथ खाना है आप उसके साथ भी खा सकते हो। और इस तरह से आप इंजॉय कीजिए इस पकोड़े को। तो बस यूं ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। भूखर ज्वाइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।